हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम, राइट। इससे पहले जो है अपन ने बात करी थी माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वी हैव सीन लाइक माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, एंड मेल गैमेटोफाइट के अंदर भी, मेल गैमेटोफाइट भी अपन ने देख लिया था। एंड फाइनली वी हैव सीन लाइक हाउ द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, कि किस किस प्रकार से जो है पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। आज हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर हम मेनली बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम। देखो, मेगास्पोरेंजियम जो है ये ओवरी के अंदर पाई जाती है। ओवरी के अंदर जो है लॉक्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर ईच लॉक्यूल इज कंटेनिंग मोर देन वन मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम की अगर बात करें तो मेगास्पोरेंजियम जो है चारों तरफ से दो आउटर कवरिंग से सराउंडेड होती है। दीज आउटर कवरिंग्स आर नोन एज इंट्यूमेंट्स, बाहर वाले को बोलते हैं आउटर और अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंट्यूमेंट। अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंट्यूमेंट, राइट। अब इंट्यूमेंट के अंदर जो है एक सेल मास पाया जाता है, दैट सेल मास इज नोन एज न्यूसिनस। इंट्यूमेंट के अंदर सेल मास पाया जाता है, सेल मास को बोलते हैं न्यूसिनस, राइट। न्यूसिनस के ऊपर की तरफ जो है एक रीजन खाली होता है, ब्लैंक रीजन होता है, इसको बोलते हैं चैलेंजर रीजन, राइट। जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है कि इंट्यूमेंट्स तो पाए जा रहे हैं, बट नीचे की प्रिज़न के ऊपर इंट्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, आई होप ये आपको दिख रही होगी, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। दैट पोर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोपाइल, और वी कैन से दैट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। ऊपर की तरफ चैलेंजर पाया जाता है, नीचे की तरफ जो है माइक्रोपाइल पाई जाती है, ऑलराइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है। ओवरी के अंदर किससे जुड़ी हुई होती है? प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है। प्लेसेंटा से जो रीजन जुड़ा हुआ होता है वो जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस रीजन को बोलते हैं फ्यूनिकल। दैट रीजन इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो है आगे चलकर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, और जहाँ भी ये ब्रॉड होता है उस रीजन को बोलते हैं राफी। दैट रीजन इज नोन एज राफी। और राफी और फ्यूनिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइलम। राफी और फ्यूनिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइलम। सो दैट इज ऑल अबाउट मेगास्पोरेंजियम। ये जो है मेगास्पोरेंजियम के बारे में है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, कि मेगास्पोर कैसे फॉर्म होते हैं, द प्रोसेस इन विच मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। The process in which megaspores are formed, the process is known as megasporangium. इसके अंदर actually क्या होता है कि न्यूसिलस के अंदर diploid cell mass पाया जा रहा है, right? इसके अंदर जो है cells पाई जा रही है। ये cells जो है इनमें से कुछ cells size में बड़ी हो जाती है। कुछ cells क्या होती है कि surrounding की cells से जो है nutrition लेती रहती है, और nutrition लेने के बाद में size के अंदर बड़ी हो जाती है। That bigger than cells are known as मेगा स्पोर मदर सेल। इनको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। दीज सेल्स आर नोन एज मेगा स्पोर मदर सेल्स। सेल्स जनरली डिप्लॉयड होती हैं, डिप्लॉयड इन नेचर। इसके बाद में क्या होता है कि अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, MMC है, इनके अंदर जो है मियोसिस होता है। आप लोगों को पता होगा जब भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं, बिफोर गैमेट हमेशा कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद में मेगास्पोर मदर सेल जो है इट कन्वर्ट्स इनटू मेगास्पोर टेट्राहेड। मतलब कि एक सेल से कितनी सेल बन जाती है? चार सेल बन जाती है, एंड दैट इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राहेड। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राहेड। मेगास्पोर टेट्राहेड के अंदर क्या होता है, सेम ऐसा ही आपको जो है मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बताया था मैंने, आई होप आपको याद होगा। इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर की जो तीन सेल्स हैं, ये तीन सेल्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और नीचे की एक सेल बचती है, एंड दैट सेल इज नोन एज मेगा स्पोर, जो कि आगे चलकर फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करने वाली है। ऑलराइट, जहां तक की जो प्रोसेस है मेगा स्पोर मदर सेल से लेके मेगा स्पोर को फॉर्म होने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस इज जस्ट फॉलोड बाय मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद में क्या होता है? मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है, जिसके अंदर जो है गैमेट्स फॉर्म होते हैं। अब गैमेट्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं? जो मेगा स्पोर है, राइट,
ये जो मेगास्पोर है, ये सिंगल सेल है, हैप्लोइड सिंगल सेल है, इसके अंदर तीन बार कैरियोकाइनेसिस होता है। इट मींस इसका न्यूक्लियस जो है वो तीन बार डिवाइड करता है, इसका न्यूक्लियस थ्री टाइम डिवाइड करता है, और थ्री टाइम डिवाइड करने के बाद में इट फॉर्म्स सिंगल सेल एंड एट न्यूक्लियस। इस सिंगल सेल के अंदर ही एट न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। ये जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस इज जस्ट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ये अपना अपना साइटोप्लाज्म लेके, स्लाइटली साइटोप्लाज्म लेके पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं। तीन सेल तो जो है, तीन न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म लेके ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड दे फॉर्म एंटीपोडल सेल्स। किसको फॉर्म करते हैं? वो एंटीपोडल सेल्स को फॉर्म करते हैं। और सेम वैसे ही तीन न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म को लेकर नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिसमें से जो साइड वाली दो सेल्स होती हैं, दीज आर नोन एज सिनर्जिड्स। इनको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स बोलते हैं। और बीच में एक बड़ी सी सेल होती है, दैट इज नोन एज एग सेल, दैट इज नोन एज एग सेल, जो कि आगे चलकर फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन के अंदर। अब बीच में जो है दो न्यूक्लियस बच जाते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस जो है किसी प्रकार का कोई साइटोप्लाज्म नहीं लेते हैं। दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होने के बाद में एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन गई है, दैट होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक, दैट होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। What happens in embryo sac? Embryo sac जो है एक eight nucleated structure होती है, in which there are seven cells. Cells के number तो जो है इसके अंदर seven होते हैं, और nucleus जो इसके अंदर कितने होते हैं? Eight होते हैं. That kind of embryo sac is known as polygonum type of embryo sac. इस प्रकार के जो है embryo sac को polygonum type of embryo sac बोलते हैं, alright? जो कि डायकोड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जितने भी डायकोड्स हैं, हर एक डायकोड्स के अंदर पॉलीगोनम टाइप ऑफ जो एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस, दैट इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। राइट, आई एम अगेन सेइंग कि जैसे ही अपन ने मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखी है, मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखने के बाद में अपन बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर मेगास्पोर फॉर्म होते हैं। मेगास्पोर फॉर्म होने के बाद में देन जो है फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसके अंदर जो है एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। एम्ब्रियो सैक जो है हमेशा एट न्यूक्लिएटेड और सेवन सेल स्ट्रक्चर होती है, right? And that kind of embryo sac is known as polygonum type of embryo sac, in which three upper cells are antipodal cells. नीचे की जो cells होती हैं, जिसके अंदर साइड वाली synergids होती हैं, और बीच वाली cell को जो है egg cell बोलते हैं, और बीच में जो है दो nuclei होते हैं, जो कि आपस में fuse होकर polar nuclei को form करने का काम करते हैं, right? That is all about megasporogenesis and megagametogenesis. In the next lecture, we'll talk about the structure of ovule, or we can say types of ovule. Ovules को भी जो है varieties of types के अंदर जो है ये divide कर रखा है, और सारे के सारे जो है अपन next period के अंदर पढ़ेंगे. I hope this you have understood. Thanks and nice day.